ऐसा कुछ नहीं, वोटिंग शुरुआत 8 बजे से यहाँ हो गई थी। यहाँ बीच में 20-25 मिनट के लिए धर्मेंद्र यादव और प्रशासन में कुछ नोकझोंक हुई, जिसके बाद से जो है 20-25 मिनट वोटिंग जो है काउंटिंग बाद में शुरू हुई। 10:15 का टाइम हो रहा है और 3 राउंड की वोटिंग हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये स्लो है कि ठीक चल रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल चूंकि 25 मिनट लेट होने के कारण जो है फिलहाल अभी इसे ठीक कहा जा सकता है। अच्छा रवि, ये बताइए कि ये समाजवादी पार्टी अपना गढ़ क्लेम करती है और 3 राउंड के बाद सिर्फ 2000 वोटों की लीड, जिसका मतलब है कि मामला क्लोज है? कहीं ना कहीं से बहुत क्लोज मामला है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में हमेशा से शुरुआत से बढ़त बढ़ा रही रहती थी, इस बार वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो कहीं ना कहीं से मामला क्लोज किया। और गुड्डू जमाली है? बिल्कुल गुड्डू जमाली है, क्योंकि जो MY फैक्टर पर समाजवादी पार्टी यहाँ वोट पाती थी, तो माइनॉरिटी के जो भी वोट थे वो गुड्डू जमाली में भी गए हैं और समाजवादी पार्टी में, इसलिए मामला यहाँ पर काफी क्लोज है। तो ये क्लोजनेस बरकरार रहेगी कि धर्मेंद्र यादव क्लियर कट बढ़त अपनी बढ़ाते चले जाएंगे? देखिए, अभी 3 राउंड की बात हो रही है, जब तक कि 5-6 राउंड के वोटिंग परसेंटेज नहीं आ जाते हैं तब तक जो है इस पर कुछ भी बात करना बेकार रहेगा। तो देखिए रवि, हमारे यहाँ आजमगढ़ के स्थानीय संवाददाता हैं, उनका कहना है कि गुड्डू जमाली की वजह से मामला रोचक और रोमांचक है और एक तरफा कुछ नहीं होने जा रहा है यहाँ पर, इसी तरह से नेक टू नेक फाइट जो है वो बरकरार रहेगी आजमगढ़ में जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते। बिल्कुल, तीसरे राउंड की काउंटिंग यहाँ पर धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव ने जो बड़ा दावा किया था कि एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती नजर आएगी, लेकिन अगर तीसरे राउंड के रुझान पर नजर डालें तो वो कहीं ना कहीं सार्थक होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो दावा यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिल धर्मेंद्र यादव की तरफ से किया जा रहा था। और साथ ही आपसे वो भी जानना चाहेंगे कि कितने टोटल राउंड में जो काउंटिंग है वो पूरी हो पाएगी। देखिए, 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और 2000 वोट से धर्मेंद्र यादव आगे हैं, 30 से 35 राउंड ये गिनती होनी है 5 विधानसभाओं की और 2 से 3 बजेगा। तो जिस तरह से ये शुरुआती स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट लिया है कि वोटों की गिनती ने, उसमें काफी क्लोज फाइट है और लगातार ये मामला अप एंड डाउन हो रहा है। पहले राउंड में कोई आगे, दूसरे राउंड में कोई आगे है और तीसरे राउंड में फिर धर्मेंद्र यादव वापसी करते हैं। तो अभी ये बहुत कोई टिप्पणी करना, कोई प्रिडिक्शन करना बहुत खतरे से खाली नहीं होगा, तो सिर्फ हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चैनल कोई अभी 8000 वोट से किसी ने आगे बता दिया था, तो उस पर हमें नहीं जाना है। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी हमें उसी पे बने रहना है, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट यही है कि पहले राउंड में दिनेश लाल यादव 500 वोट से आगे थे, अब तीसरे राउंड में धर्मेंद्र यादव 2000 वोट से आगे हो गए, तो हर राउंड के बाद यहां ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है। तो 8000-9000 वोट से कोई नहीं आगे है, अभी सिर्फ 2000 वोट से लगभग धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। जो काउंटिंग आ रही है उसमें 2000 वोट की बात निकलकर सामने आ रही, कहीं ना कहीं अंतराल कम होता हुआ नजर आएगा, इसकी कितनी संभावना अनिल? बिल्कुल, देखिए वही फिर वही बात आ रही है कि गुड्डू जमाली के ऊपर निर्भर करता है, गुड्डू जमाली कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मुकाबला जो है SP और BJP में और कड़ा होता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी तो समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से जीत की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो दिनेश लाल यादव यहां पर भले ना हो, अपनी जीत के साथ साथ वो प्रेयर कर रहे होंगे जहां भी होंगे कि गुड्डू जमाली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। तो देखिए, एक एक तस्वीर और हर एक समीकरण को समझा रहे हमारे संवाददाता अनिल यादव आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और किस तरह की चहलकदमी वहां पर है और किस तरह से अनाउंसमेंट हो रही है, हर एक अपडेट ऑफिशियल अपडेट आपको दे रहे हैं। और तीसरे राउंड में अगर बात करें तो तीसरे राउंड में धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, और जिस तरह से वो आगे चल रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ा मार्जिन इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे जैसे जो राउंड काउंटिंग है वो बढ़ती नजर आएगी आशीष। जब काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है, चौथे राउंड की काउंटिंग में देखना दिलचस्प होगा कि क्या धर्मेंद्र यादव 2000 की जो बढ़त है